ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। सो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अपनी फोन से इंटरनेट शेयर कर पाएंगे, यानी कि हॉटस्पॉट शेयर कर पाएंगे, और वो भी यू ही। जी दोस्तों, आपके पास में जो बैठा है आपकी दोस्त और आपसे पूछ रहा है कि वाईफाई के पासवर्ड क्या है बता दो, तो पासवर्ड यू तो आप फाइंड नहीं कर पाते हो, या फिर ऐसे उटपटंग से कुछ अल्फाबेट शो हो जाता है, आप बोल ही नहीं पाते हो तुरंत। तो आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से QR के थ्रू, जो कि है आपके फ़ोन के अंदर ही ऑप्शन है, QR के थ्रू उसे शेयर कर सकते हो, तो पासवर्ड यू ही उसकी फ़ोन जो है कनेक्ट हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। राइट गाइस, तो मैं बता दूं आपको, इसके लिए दो चीज़ें आपको चाहिए। एक तो आपके फ़ोन के अंदर डेटा होना चाहिए, और दूसरी बात स्कैनर। जी दोस्तों, जो स्कैनर है वो अभी सभी स्मार्टफोन के अंदर आते हैं। जी गाइस, जिससे स्कैन करके आप QR स्कैन करते हो, वही QR स्कैनर। एक तो डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा वो फ़ोन, या फिर आप पासवर्ड को शो करके भी उसे बता सकते हो कि क्या है पासवर्ड। ओके, तो सबसे पहले मैं डेटा को ऑन करूंगा। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि डेटा होना चाहिए, तो देख सकते हो मैंने डेटा को ऑन कर दिया। अभी मान लो इस हॉटस्पॉट को शेयर करना है, ठीक है, तो एक तो आप सेटिंग्स से भी कर सकते हो, तो मैं सेटिंग्स के अंदर जाऊँगा। उसके बाद यहाँ पे गाइस देख सकते हो वाईफाई, ठीक है, वाईफाई के अंदर नहीं, जो पोर्टेबल हॉटस्पॉट है इसके अंदर क्लिक करूँगा, इसके ऊपर। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो SBP पोर्टेबल हॉटस्पॉट का नाम है। ओके, इसको मैंने ऑन कर दिया। अभी इस फ़ोन की हॉटस्पॉट को मैंने शेयर कर दिया। अभी जो भी बंदा इस हॉटस्पॉट के थ्रू इंटरनेट यूज़ करना चाहेगा, उसको देना होगा पासवर्ड। तो यहाँ पे सेटअप पोर्टेबल जो पासवर्ड है, यहाँ पे आप देख सकते हो पासवर्ड है, तो पासवर्ड को आप यहाँ से शो भी कर सकते हो। जैसे कि मैंने ये पासवर्ड डाला है, तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे जो पासवर्ड शो होती हैं वो नंबर एक, अल्फ़ाबेट्स, ये सब शो होती हैं, और आपको बोलने में दिक्कत होती है, ठीक है। तो यहाँ से मैं राइट क्लिक कर दूंगा, और गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो शेयर QR कोड। ओके, तो आपको बस इसके ऊपर क्लिक कर देना, शेयर वाईफाई नेटवर्क। तो इस QR को या दूसरे वाले जो बंदे हैं, या तो शेयर करके भी कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर इसे पिक्चर में क्लिक करके स्कैन करके भी कर सकते हैं। तो मैं आपको इसको स्क्रीनशॉट करके भी दिखा देता हूँ। तो मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका, ठीक है। अब मैं जाऊँगा स्कैनर के, जैसे कि मैंने बताया था, देख सकते हो स्कैनर, तो बाय डिफॉल्ट स्कैनर होते हैं सब में, तो मैं इस स्कैनर के थ्रू स्कैन करके भी देख सकता हूँ। स्कैनर को मैंने ओपन करा। जैसे ही स्कैन किया, यहाँ पर देख सकते हो SSID SBP, और पासवर्ड के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे पासवर्ड भी शो हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पासवर्ड अगर नहीं पता तो आप पासवर्ड देख सकते हो। QR को शेयर कर देना, वो जो फ़ोन है ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाएगा, है ना। सो गाइज, ये था एक छोटी सी चीज़। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बता। तो गाइज, चलो इस इन्फॉर्मेशन के साथ ये वीडियो यहाँ पे खत्म कर देते हैं। वीडियो को कैसा लगा जरूर बताना। चैनल पर नए हो तो क्या कर रहे हो, सब्सक्राइब कर लो, आगे भी आपको इस चैनल से ऐसी वीडियो मिलता रहे। सो गाइज, विद द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे सेफ, गुड बाय।